हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफिया'स किचन। आज हम बनाएंगे पनीर पराठा। पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा, थोड़ा नमक, एक टेबलस्पून ऑयल। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और हमें थोड़ा पानी डालकर इसका डो फॉर्म करना है। फिर थोड़ा ऑयल डालकर हमें इसे 1 मिनट तक गूनना है। इसे ढक कर हमें 10 से 15 मिनट तक साइड में रखना है। आटा रेस्ट होने तक हम पराठे का स्टफ तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ा बारीक कटा प्याज, 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, 3/4 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन को मैंने हाथों से क्रश करके डाला है, थोड़ी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालना है, एक टीस्पून क्रश्ड काली मिर्च। इन सब चीजों को मिक्स करना है। डो को रेस्ट होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसे आधे मिनट के लिए फिर से गूनना है। फिर आटे का छोटा पेड़ा लेना है, उस पर थोड़ा आटा डस्ट करना है। इसको गोल शेप में बेलेंगे। फिर इसमें पनीर मिक्सचर स्टफ करना है। फिर हमें इसके एंड्स को जॉइन करना है। इस पे थोड़ा आटा डस्ट करना है और इसे राउंड शेप में बेलना है। फिर तवा या पैन गरम होने के बाद हम हमारा पराठा इसमें डालेंगे। पराठे को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। थोड़ा घी या ऑयल डालना है। पनीर पराठा अब तैयार है।